सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा जो नाइन्थ का, यहाँ पर देख लीजिए विषय इंग्लिश का जो पेपर है पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। सो गाइस, हमने जो आपका अंग्रेजी का पेपर है वो भी हमने आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। और गाइस, आपका हिंदी का भी हम आपको रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। सो गाइस, देख लीजिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली फुल सॉल्यूशन सहित बताए जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देख लीजिए जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का आने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन है। सो गाइस, 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, जल्दी से अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी विषय के जो पेपर है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइस, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, जो बच्चे इंग्लिश का देख के गए उनके कमेंट बहुत ही तेजी से आ रहे थे कि हिंदी का भी प्रोवाइड कराइए। सो गाइस, हिंदी का भी हम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। सो गाइस, चलिए यहाँ पर आपके फटाफट जो है कुछ इनके आंसर देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सेट ए का पेपर है पूरा, यहाँ पर देख लीजिए आप अपने निर्देश पढ़ लेना। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 17 तक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के सही विकल्प, यहाँ पर पहला है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं? यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें जो साफ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है छायावाद के 5 कवि हैं। इसके बाद जो है दूसरा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, यहाँ पर भक्ति काल को माना जाता है। सो गाइस, इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सा, दूसरे का आ और तीसरे में छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें हो जाएगा यति आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे जो है क्वेश्चन चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सा ऑप्शन अलंकार कहते हैं। इसके बाद पाँचवा है, देख लीजिए पाँचवा है बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पाँचवें में सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, इस जल प्रलय में डॉट डॉट जो पाठ की विधा है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, नाटक। तो गाइस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले का जो सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का आ ऑप्शन, तीसरे का आपका बा यति, और इसके बाद जो है चौथे का सा हो जाएगा। इसके बाद पांचवें में भी आपका मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो बशिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, ये मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। इसके बाद जो है छठवें में आपका जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। सो गाइस, इसके बाद फिर क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो जाता है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए हुए हैं रिक्त स्थानों में भी, सो गाइस इसी में से आपको चयन करना है। चलिए, पहला है प्रेमनंद का जन्म डॉट डॉट में हुआ, कहाँ पर हुआ था? बनारस में या लाहौर में? सो गाइस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनारस। इसके बाद दूसरा है बैल का स्थान गधे से डॉट डॉट है, ऊंचा है या नीचा? सो गाइस, इसमें हो जाएगा नीचा। इसके बाद तीसरा है रेणु का पूरा नाम डॉट डॉट है, क्या है? यहाँ पर बागेश्वर नाथ रेणु या फणीश्वर नाथ रेणु? सो गाइस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद चौथा है नानी के मन में डॉट डॉट की आज़ादी के प्रति जुनून था, देश की या स्वयं की? सो गाइस, इसमें हो जाएगा देश की, इसमें देश भर देना। इसके बाद जो पांचवा है रिक्शा मुड़कर हम डॉट डॉट सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए। सो गाइस, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला या अप्सरा, यहाँ पर हो जाएगा अप्सरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है छठवां है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद या कबीरदास? सो गाइस, इसमें हो जाएगा कबीरदास, इसमें कबीरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइस आ जाता है ये सही जोड़ी बनाकर लिखिए, यहाँ पर सही जोड़ी मिला लेते हैं जो कि आपकी 6 नंबर की है। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी मिलाना, पहला पंचवटी का हो जाएगा, यहाँ पर खंड काव्य और करुण का हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, और संस्कृति तथा शिक्षा इसका हो जाएगा जो श्यामचरण दुबे हो जाएगा, और मनोरथ का हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी संधि है मनोरथ में? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद जो है भूमि देश शब्द है, और मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा शोक। सो गाइस, ये आपके 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद गाइस क्वेश्चन चौथा जाता है एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, यहाँ पर एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो देख लीजिए पराग काष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परम सीमा, इसमें आपको लिख देना पहले में परम सीमा। दूसरा है बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। तीसरा है बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, बंसीधर को जो है मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। इसके बाद चौथा है हेलन किलर की पहली गुरु कौन बनी, जो हेलन किलर है उनके पहले गुरु यहाँ पर उसकी माँ थी, तो इसमें उसकी माँ लिख देना आपको।
इसके बाद पांचवा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1868 ईस्वी से। फिर गाइस इसके बाद छठवां है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो गाइस इसमें हो जाएगा पीड़ा की गायिका, इसमें आपको लिख देना पीड़ा की गायिका। सो गाइस ये आपके एक बाकी के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सत्तर जाते हैं, सत्तर में लिखिए, यहाँ पर सत्तर लिखना है जो कि छः नंबर की आपके, देख लीजिए। पहला है सद गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, सो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर इसमें आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा गया झूरी का मामा था, हाँ गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा, इसमें जो है पहले में सत्य दूसरे में असत्य, गया उसका मामा नहीं था। इसके बाद तीसरा राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, इसमें असत्य भर देना। चौथा है अश्रु का तद्भव रूप आंसू होता है, यहाँ पर ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा फणीश्वरनाथ रेणु ने रिपोताज के अलावा उपन्यास भी लिखे, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर फिर छठवां ज्यादा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, हाँ बिल्कुल सही है, राइट है। सो गाइस यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सत्य, बाकी सब सत्य है। सो गाइस इस तरह जो है आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कम्प्लीट हो जाते हैं। हमने आंसर सहित आपको सभी क्वेश्चन बता दिए, अब आपको जल्दी से प्रश्नोत्तर देख लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, दो दो नंबर वाले आपके क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन छठवां है भक्ति काल की विशेषताएं लिखना है आपको, दो विशेषताएं लिख देना है इसके, अथवा में छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद सातवां आधुनिक काल के पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक युग के नाम लिखना है आपको, नहीं तो अथवा में दिया हुआ भक्ति काल के दो कवि एवं उनकी रचनाएं लिख देना है। इसके बाद गाइस आठवां को देख लीजिए, ये आ जा है आठवां क्वेश्चन है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती ही होगी, अथवा में है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर आए। सो यहाँ पर ये आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये आपके आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो है इस वीडियो में पूरा पेपर कंप्लीट करा देंगे। सो गाइस इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। सो गाइस यहाँ पर ये आपका जो है आठ नौवां हो जाता है। इसके बाद अथवा में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, सो गाइस ये आपका नौवां हो जाएगा। इसके बाद दसवां, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया, और अथवा दिया हुआ अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सो इसी आपका जो है दसवां का अथवा हो जाता है। इसके बाद ग्यारहवां है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, वो अथवा दिया हुआ अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, सो इसी आपका ग्यारहवां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद बारहवां है, तत्सम शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्न शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए, लिख लीजिए जो आपको सपना और हाथ दिया हुआ है इसको जो है तत्सम शब्द की परिभाषा लिख देना है, और यह हाथ और जो सपना है इसको तत्सम रूप लिख देना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ विलोम शब्द किसे कहते हैं, अपमान शब्द का विलोम शब्द लिख देना है। सो इसी अथवा का ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, सो वही दोनों में से एक करना है। इसके बाद तेरहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए, सो इस यहाँ पर इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसको अच्छे से लिखना है जो है, इसको विराम चिन्हों के हिसाब से जो है पुनः लिखना है। सो इसके बाद अथवा में मानसिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, लिखिए, सो इसी आपका तेरहवां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चौदहवां है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विकसित कर लिखिए, देख लीजिए सरलार्थ नाविक और नारीश्वर और शयन, सो इसको आपको संधि विकसित करके लिखना है। और अथवा दी हुआ है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद गाइस पंद्रहवां क्वेश्चन आ जाता है, कहानी उपन्यास में दो अंतर, अथवा दिया हुआ ज्ञान मार्गी एवं प्रेम मार्गी शाखा में अंतर। इसके बाद सोलहवां, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिख देना है। और अथवा दिया हुआ कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, लिखिए, ये आपके जो है सोलहवां क्वेश्चन हो जाता है। सत्रहवां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है, आंख का तारा इसका अर्थ लिख देना, और आंख में धूल झोंकना इसका आपको अर्थ लिख के प्रयोग कर देना है। इसके बाद अथवा में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म आज्ञा और अनुमति का सरल वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। यहाँ पर सुगाई से यहाँ पर ये आपका जो है सत्रहवां क्वेश्चन ज़्यादा सरल है, अथवा का भी सरल है, दोनों में से ये करना है। इसके बाद गाइस जो है अठारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखना। चलिए क्वेश्चन से अठारहवां का देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये अठारहवां रहा, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको जो है पुनः लिखना है विराम चिन्हों के से जो है विराम चिन्ह लगाकर। इसके बाद अथवा में भक्ति काल को हिंदी जो है भक्ति काल को हिंदी काल का जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, सो इसी यहाँ पर आपको जो है ये आपका अठारहवां का अथवा हो जाता है। उन्नीसवां है, अपनी पसंद की कविता की कोई तीन पंक्तियां लिखना है, अथवा दी हुआ अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए,
देख लीजिए, जो ए आपको शब्द दिए हुए हैं इससे आपको कहानी बनाना है, तो इस दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर देना। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारे जीवन में जल का महत्व लिखना है। इसके बाद अथवा में हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए अपने शब्दों में लिख देना। सो गाइस बिल्कुल सिंपल है, आप हिंदी में अपने हिसाब से लिख देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देख लीजिए ये आपको अपठित गद्यांश दिख रहा है, इसमें से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो इसी में इसके आंसर मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना, अथवा दी हुआ अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, जो है आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन में देख लीजिए, किसी एक विषय पर जो है रूपरेखा लिखना और निबंध भी लिखना है। सो गाइस यहाँ पर 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर इन 4ों में से आपको किसी एक पर जो है निबंध लिखना और रूपरेखा। सो गाइस इस तरह जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।